हमेशा से ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट को लेकर डिबेट रही हैं और कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और रूलिंग पार्टी इस एक्ट का यूज करके ऑपोजिशन लीडर्स को फॉल्स केसेस में फंसाते रहे हैं। पर इस बात की चर्चा हमें 18th लोकसभा इलेक्शंस में काफी ज्यादा सुनाई दी है। ऑपोजिशन लीडर्स ने भी सामने आकर इस बात को कहा है कि रूलिंग पार्टी उन्हें दबाने के लिए PMLA के तहत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। ये एलिगेशन सही है या नहीं, इस पर क्रिटिक्स का अब एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन सामने आ रहा है। उनका मानना है कि झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हेमंत सोरेन को बेल मिलने से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस एक्सपोज हो जाती हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी पे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस सिर्फ रूलिंग डिस्पेंशन के पॉलिटिकल एडवर्सरीज को अरेस्ट करने के लिए डालने का इल्जाम लगाता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट्स को मजबूर करता है कि वो पहले ये देखे कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जेल्ड लोग गिल्टी हैं और अगर नहीं है तो ही बेल दे। ऐसे प्रोविजंस को पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ यूज करना उनकी पर्सनल लिबर्टी के लिए बहुत नुकसान दे सकता है। उन्होंने नोट किया है कि सोरेन के केस में उन्होंने जेल में 5 महीने गुजारे और जब उनकी गिरफ्तारी का वक्त आया तो चीफ मिनिस्टर की पद से रिजाइन करना पड़ा। जब बेल मिलती है तो प्रोसिक्यूशन और गवर्नमेंट को एम्बैरेसमेंट होता है क्योंकि ये प्रिलिमिनरी व्यू पर बेस्ड होता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है। जैसे कि आप भी जानते हैं और हम भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय ने केस के मटेरियल और सरकमस्टांसेस को एनालाइज करने के बाद उन्हें बेल ग्रांट की और कहा कि मिस्टर सोरेन गिल्टी नहीं लगते, जिसके बाद ईडी पर उंगलियां और भी उठने लग गई हैं। ईडी ने PMLA के तहत उन पर केस रजिस्टर किया, एक पुलिस केस बेस्ड ऑन फ्रॉजरी और फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो एक रिव्यू इंस्पेक्टर और उसके एसोसिएट के खिलाफ था। ईडी ने कहा कि 8.86 एकड़ जमीन जो लार्जर एक्सटेंट का पार्ट थी और जो उन लोगों को बेची गई थी जो उसको खरीदने का हक नहीं रखते थे, वो सोरेन की थी और 2010 से उनके पोजीशन में थी। ईडी ने ये भी क्लेम किया था कि उनका टाइमली इंटरवेंशन और इन्वॉल्व लोगों की गिरफ्तारी ने जमीन के इलीगल एक्विजिशन को रोका है। सोरेन बेल की हियरिंग के दौरान कोर्ट ने पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए कि जो लोग एलिजली अनलॉफुल इविक्टेड हुए थे उन्होंने कभी भी कोर्ट में रिड्रेस लेने के लिए अप्रोच क्यों नहीं किया जब मिस्टर सोरेन पावर में नहीं थे। कोर्ट ने एजेंसी के इन्फ्रेंसेस को भी क्वेश्चन किया कि मिस्टर सोरेन उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने का प्लान कर रहे थे सिर्फ एक कंसल्टेंट के फोन कॉल पर, वो भी एक इमेज मिलने पर। इन्फेरेंस इस बेस पर था कि प्लान में डिपिक्टेड एरिया उस लैंड पार्सल के पास था जो केस में इन्वॉल्व थी। कोर्ट ने ईडी के आर्गुमेंट को भी डिस्काउंट किया कि मिस्टर सोरेन ने समन्स मिलने पर राजकुमार पहान नाम के एक आदमी को सेटअप किया ताकि स्पेशल कोर्ट में जमीन पहान के नाम रिस्टोर हो जाए और मिस्टर सोरेन को एक्सकल्पेट किया जा सके। झारखंड हाई कोर्ट ने ये बताते हुए स्टेट किया कि हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स अपील का सब्जेक्ट बन सकती हैं या ट्रायल के दौरान रिविजिट की जा सकती है, लेकिन ये भी दिखता है कि कैसे सेंट्रल एजेंसीज पॉलिटिकल फंक्शनरीज को ऑफिस में इन्फेरेंसेस और सरमाइसेस के बेसिस पर अरेस्ट करने में जल्दबाजी दिखा रही है। इस पूरे वाक्या के बाद भी फ्राइडे को ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिक्वायरमेंट के साथ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस अचीव कर लिया है। साथ ही एजेंसी ने कुछ मेजर्स लिस्ट किए हैं जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स में सुपरविजन और प्रिवेंटिव मेजर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरी हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिजीम गुड रिजल्ट्स अचीव कर रहा है। FATF अपनी रिपोर्ट तब पब्लिश करेगा जब उसका क्वालिटी और कंसिस्टेंसी रिव्यू कम्प्लीट हो जाएगा। FATF ने कहा है कि इंडिया को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रोसिक्यूशंस कंक्लूड करने में डिलेज को एड्रेस करना होगा और इंश्योर करना होगा कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स को टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए अब्यूज होने से रोकने के लिए CFT मेजर्स रिस्क बेस्ड अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट किए जाए। एक एनोनिमस सोर्स ने बताया है कि FATF द्वारा फ्लैग किए गए इश्यूज को वक्त के साथ एड्रेस किया जाएगा और इंडिया FATF की डिटेल रिपोर्ट को एनालाइज करेगा जहां एजेंसी अपनी फुल रिकमेंडेशन देगी। एक ये भी बात सामने आई है कि एक फ्रेश नेशनल रिस्क असेसमेंट 2025 में भी ड्यू है। आपको बता दूं कि इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए 1999 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल इंट्रोड्यूस किया था जो बाद में 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बन गया और 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। PMLA का मेन ऑब्जेक्टिव है इलीगल फंड्स को एड्रेस करना जो ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटी से जनरेट होते हैं। इस लेजिस्लेशन का एम इलीगल प्रोसीड्स के फ्लो को रोकना और देश के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। तो जहां एक तरफ इंडिया ने ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग FATF की रिक्वायरमेंट के साथ
हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस अचीव कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी विजय मदन लाल चौधरी वर्डिक्ट को रिव्यू करने के लिए प्रिपेयर हो रही है। अगर हम पीएमएलए की एक ट्रायलॉजी इन्विजन करें तो विजय मदन लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट इसका पहला चैप्टर होता। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के कई कंटेंशन प्रोविजंस को अपहोल्ड किया था। कोर्ट ने एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि एक्ट के कुछ प्रोविजंस उसके ऑब्जेक्टिव से रीजनेबली लिंक्ड है। विजय मदनलाल चौधरी का रूलिंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को कम्युनिकेट करने को मैंडेट करता है, लेकिन कम्युनिकेशन के मोड को स्पेसिफाई नहीं करता, वेदर इन राइटिंग और ओरली। ये एम्बिग्विटी सब्सिक्वेंट केस पंकज बंसल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में रिजोल्व हुई। 3 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट डिलीवर किया, जिसमें कहा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक्यूज को अरेस्ट के ग्राउंड्स राइटिंग में बताने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस रिक्वायरमेंट का नॉन कम्प्लायंस अरेस्ट को इनवैलिडेट कर देता है और एक्यूज को बिना किसी शर्त के रिलीज का हक देता है। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि अरेस्ट के ग्राउंड्स का मोड मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और लीगल प्रोसीजर्स इंश्योर किए जा सके। रिटन रिकॉर्ड फर्निश करके डिस्प्यूट प्रिवेंट किए जा सकते हैं और अरेस्टेड पर्सन को बताया जा सकता है कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है और लीगल काउंसिल सीख करने में मदद मिलती है। जजमेंट ने इन्फॉर्मेशन के मोड को डिफाइन किया, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये एक्यूज को कब प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये राम किशोर अरोड़ा वर्सेज यूनियन �ऑफ इंडिया जजमेंट के साथ क्लेरिफाई हुआ। 15 दिसंबर 2023 को राम किशोर अरोड़ा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अरेस्ट के ग्राउंड्स को राइटिंग में अरेस्ट के समय नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर रिटन में प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही अरेस्ट के समय एक्यूज को ग्राउंड्स ओरली बताने की जरूरत है। ये बेंच ने पीएमएलए के सेक्शन 19 को इंटरप्रेट किया, जो जल्दी से जल्दी अरेस्ट के रीजंस को बताने की जरूरत को स्टिपुलेट करता है। इन तीनों केसेस से ये मेकआउट होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को 24 घंटे का एक्स्ट्रा लीवरेज दिया गया है, जो कोर्ट के ओरिजिनल कमिटमेंट से डिविएशन में है। अब इसी से तीन कंसर्न्स रेज होते हैं, जो कई लीगल एक्सपर्ट्स ने भी पहले रेज किए हुए हैं। पहला, अनड्यू लीवरेज टू द ईडी। अब लीगल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश हो चुका है कि ईडी को अरेस्ट के ग्राउंड्स की कॉपी 24 घंटे के अंदर देनी चाहिए, अगर अरेस्ट के वक्त नहीं दी जा सकती। लेकिन ये पीरियड देना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को अंडरमाइन करता है, क्योंकि ये एजेंसी को एक्यूज पे अंडू लीवरेज देता है। एक्ट कहता है कि ऑथराइज्ड पर्सन को अरेस्ट से पहले ग्राउंड्स राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग एक्यूज को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है और ईडी इस ड्यूरेशन में रिमांड सीक करता है, लेकिन रिमांड ऑर्डर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है। अगर अरेस्ट के ग्राउंड का फुल डिस्क्लोजर नहीं होता तो एक्यूज के लीगल काउंसिल को सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज होता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रबीर पुरकायस्ता वर्सेज स्टेट जजमेंट ने अरेस्ट ग्राउंड प्रोवाइड करने की जरूरत को अंडरस्कोर किया था और UAPA के अंडर अरेस्ट और रिमांड को इलीगल डिक्लेयर किया, क्योंकि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सप्लाई नहीं किए गए थे। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि दोनों PMLA और UAPA रिक्वायर करते हैं कि अरेस्ट के ग्राउंड्स जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट किए जाए। रिटन कम्युनिकेशन एसेंशियल है ड्यू प्रोसेस के लिए, इंश्योरिंग डिटेनी को डिटेंशन के रीजन समझ आए। पुरकायस्ता जजमेंट ने राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया, स्ट्रिक्टली डिसअप्रूविंग एनी इंक्रोचमेंट ऑन दीज राइट। जो दूसरा इशू है वो है इश्यूज विद ECIR। ईडी कहती है कि ECIR एक एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट होने के कारण CRPC के दायरे से बाहर आती है, इसीलिए FIR की तरह एक्यूज को नहीं दी जा सकती। ये सजेस्ट किया गया है कि ECIR को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी जाए और FIR का स्टेटस दिया जाए, ताकि ED समन्स के साथ जो अनसर्टेनिटी होती है वो दूर हो। FIR के केस में लोग ऑनलाइन चेक करके समझ लेते हैं कि वो विटनेस है या एक्यूज, लेकिन ECIR के केस में ये क्लेरिफाई नहीं होता और गलत स्टेटमेंट्स देने का रिस्क होता है। ED आर्ग्यू करती है कि ECIR डिस्क्लोज करना एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अंडरमाइन कर सकता है, क्योंकि ये सेंसिटिव डिटेल्स रखता है, इसीलिए ECIR को इंटरनल डॉक्यूमेंट रखने को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जा सकता। ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रिटी बैलेंस करने के लिए सजेस्ट किया गया है कि ऑफिसर्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिडक्ट करके ECIR की एडिटेड कॉपी अरेस्ट ग्राउंड्स के तौर पर एक्यूज्ड को दे। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस कहता है कि ये प्रोसीजर CRPC के थ्रू एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। अगर PMLA के अंडर ECIR का प्रोसीजर नहीं है तो CRPC का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और एक्यूज को ECIR की कॉपी देनी पड़ेगी। थर्ड इशू इज द एब्सेंस ऑफ केस डायरी। CRPC के सेक्शन 172 के तहत केस डायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड रखती है, जिसमें डेट्स, टाइम्स, लोकेशन, विटनेस स्टेटमेंट्स और कलेक्टेड एविडेंस शामिल होते हैं।
जो इन्वेस्टिगेशन की इंटीग्रिटी और इन्वॉल्व पार्टीज के लिए क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन पीएमएलए डिटेल्ड केस डायरी की जरूरत नहीं रखता, जो इंडिविजुअल राइट्स और ड्यू प्रोसेस को अंडरमाइन करता है, क्योंकि बिना डिटेल्ड रिकॉर्ड के अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है और एविडेंस मैनिपुलेट हो सकते हैं। पीएमएलए के अंडर एक्यूज को केस डायरी दिखाने का ऑटोमेटिक राइट नहीं है, लेकिन इसका मेंटेनेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को डिलिजेंट और अकाउंटेबल रखता है। मजिस्ट्रेट्स को कस्टडी ऑथराइज करने से पहले केस डायरी रिव्यू करनी चाहिए। पीएमएलए केसेस में भी सिमिलर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि मजिस्ट्रेट्स ऑब्जेक्टिवली रिमांड डिसाइड कर सके। तो आपने देखा कि कैसे रीसेंट जुडिशियल डेवलपमेंट्स में पीएमएलए के इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं जो ड्यू प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। एंड प्रोग्रेस टू एड्रेस दीज इश्यूज हैव बीन डिलेड बट प्रॉमिसिंग। एक बेंच बनाई गई थी विजय मदनलाल जजमेंट रिव्यू करने के लिए, जो ECIR एक्यूज को देनी चाहिए या नहीं और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस रिवर्स करने पर फोकस करती है, लेकिन ये बेंच 23 नवंबर 2023 को डिसबैंड हो गई यूनियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट और जस्टिस संजय किशन कौल की रिटायरमेंट के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स जुलाई 2024 तक पोस्टपोन कर दी है। इस केस का आउटकम पीएमएलए की एप्लीकेशन और इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्शन के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस रखता है। अगर ECIR या अरेस्ट ग्राउंड्स प्रोवाइड करने का रूलिंग आता है तो पीएमएलए प्रोसीडिंग्स में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इंश्योरिंग द एक्यूज राइट टू अ फेयर ट्रायल। हियरिंग रिज्यूम होने पर न्यू बेंच का कॉम्पोजिशन और पर्सपेक्टिव्स फाइनल जजमेंट को शेप करने में क्रूशियल रहेगा, जो इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस के लीगल फ्रेमवर्क को इम्पैक्ट कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स इन जुलाई 2024 हियरिंग।